जो खूबसूरत तरीन शाकार हमारे दरमियान अफ्ताही फराह साहब है, हजीर सोर साहेब है, अला बेली साहिबा है, एस यू जफर साहेब है, मुन शाला शनावर गजपुरी धारागम बदायूनी शिवराज राजू और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह है। ये वो नाम है कि जो किसी भी बड़े बड़े मुशाहिदे की कामयाबी की जमानत होते जाते हैं, किसी भी बड़े कवि सम्मेलन की कामयाबी की जमानत होते जा सकते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसे शायर को एक ऐसे कवि को आपके मुख्य बुलाऊं कि जो मैं समझता हूँ कि शायरी अगर आप इजाजत दें और वक्त हो तो मैं उस शायर के 100 शेर आपको सुना सकता हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह है, जिनकी जिंदगी के 15 बरस जानकर गुजरे हैं, सहायकों में शोभा अंग्रेजी के हेड है, हमारे बड़े मोहतरम है, आज की हिंदी गजल के हवाले से ये बड़ा मोतबर नाम है, बड़ा सम्मानित नाम है। बड़े बड़े अदब से मोहतरम डॉक्टर सुरेंद्र सिंगर के ऊपर जाना चाहता हूँ, मुझे रहा करना चाहता हूँ। तालियों से स्वागत विजय क्षेत्र की भूमिका और बिना किसी भूमिका बिना किसी संगीत के शायद मैं उनके साथ रहा दर्द बांटने के लिए, मैं उनके साथ रहा दर्द बांटने के लिए, वो मेरे साथ थे वक्त का। सवाल ये तो नहीं है कि उसने देखा क्या, सवाल ये तो नहीं है कि उसने देखा क्या, सवाल ये है गवाही में वो कहेगा क्या। सवाल ये तो नहीं है कि उसने देखा क्या, क्या कहना है क्या, सवाल ये है गवाही में वो कहेगा क्या। अच्छा है, अगर ये घर है तो घर जैसा क्यों नहीं लगता, अगर ये घर है तो घर जैसा क्यों नहीं लगता। अतुल भाई का बहुत प्यार करता है मुझे, इसलिए भैया वरना मैं कहीं जी जी अगर ये घर है तो घर जैसा क्यों नहीं लगता। बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो और इसमें रहना क्या। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये घर है क्यों नहीं लगता, अगर नहीं है तो और उसमें रहना क्या। तू सावधान है मुझसे, मैं तुझसे चौकन्ना, रिश्ते देखेगा। बहुत अच्छा। सावधान हूँ तुझसे, तू सावधान है मुझसे, मैं तुझसे चौकन्ना, तनिक तो सोच कि ये भी है कोई रिश्ता क्या। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू सावधान है मुझसे, मैं तुझसे चौकन्ना, तनिक तो सोच कि ये भी है कोई रिश्ता क्या। तनिक तो मैं बहुत अच्छा है आपको सिंगर साहब बोलिए, आपको सुनने के लिए बैठे हमें। असल में मुझे आज तक ध्यान नहीं रहता, ये तो पुरानी आदत है आपको। क्या कहना है जी जी देखिएगा, असल में एक गजल मैंने लिखी थी, कही थी, बल्कि वो हुआ ये कि कुछ इस तरह बिल्कुल जैसे बीच में से शुरुआत होती है, हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें से एक शुरुआत बीच में हो गई, तो मैंने तो कहा था ये शादीशुदा जिंदगी में जो बीच में कड़वाहटें आ जाती है उसके ऊपर ये कही थी, लेकिन जी न्यूज वालों ने उसे इस तरह से पकड़ लिया कि उन्होंने उस समय न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था अमेरिका के साथ, और उस समय जो कांग्रेस और लेफ्ट में मनने मनाने का दौर चल रहा था कुछ उस तरह से वहां पर उन्होंने अपने इस बात को कहा। आप देखें तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं,
रहेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे। बहुत अच्छा है, तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, रहेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे नहीं। बहुत अच्छा, रोज रोज के तेरी गली के ही चक्कर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये रोज रोज के तेरी गली के ही चक्कर, वो लाख इश्क हो बेगार हम करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये रोज रोज के तेरी गली के ही चक्कर, वो लाख इश्क हो बेगार हम करेंगे नहीं। बहुत अच्छा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि बीच बीच में से ऐसे चला जाऊँ कुछ, जो आपको जो ऐसा अच्छा लगे वो कुछ नहीं। वाह वाह, जो आपने सोनी महिवाल का किस्से सुनी है और उसमें सोहनी भरे तूफान में दरिया में कच्चे घरे को लेकर उछल पड़ती है, उसको मैंने प्रतीक के माध्यम से कहना था। मैं मानता हूँ कि दरिया में है तूफान बहुत, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ कि दरिया में है उफान बहुत, मैं मानता हूँ कि दरिया में है उफान बहुत, मुझे भी कच्चे घड़े पर ही है गुमान बहुत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ कि दरिया में है उफान बहुत, मुझे भी कच्चे घड़े पर ही है गुमान बहुत, कि तुम्हारी भीड़ में शामिल नहीं मैं हो सकता। क्या कहना है, तुम्हारी भीड़ में शामिल नहीं मैं हो सकता, तुम्हारी जातियां मजहब है दरमियान बहुत। बहुत अच्छा, क्या कहना है, तुम्हारी भीड़ में शामिल नहीं मैं हो सकता, तुम्हारी जातियां मजहब है दरमियान बहुत, तुम्हारे हाथ में हथियार मैं निहत्था हूँ। तुम्हारे हाथ में हथियार मैं निहत्था हूँ, तुम्हारे हाथ में हथियार मैं निहत्था हूँ, तुम्हारे वास्ते फिर भी है जो मचान बहुत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे हाथ में हथियार मैं निहत्था हूँ, तुम्हारे वास्ते फिर भी है जो मचान बहुत। आज की सियासत बस थोड़ा जी सर, चंद बाजी असल में बहुत बदनाम शेर है दोनों, इसलिए सब चंद बाजी घरों के हाथों में देश की बागडोर है यारो। बहुत अच्छा, हर तरफ डुग डुगी की डुग डुग डू और मजमो का शोर है। बहुत अच्छा है, बहुत आप शेर करें जिसके बाद मैंने सुनाया कि रोज दाढ़ी संवारता है वो, रोज दाढ़ी संवारता है वो और दिन के निकाल देता है। क्या कहना, रोज दाढ़ी संवारता है वो और दिन के निकाल देता है, शान से बैठता है संसद में, कौन कह देगा चोर है यार। रोज दाढ़ी संवारता है वो और दिन के निकाल देता है, शान से बैठता है संसद में, कौन कह देगा चोर है यारो। बहुत एक नाजुक से आप जब सुने अगर आप जी दिलो हाँ जरा, असल में आजकल पसारा जाना तो बंद कर रखा है, याद से कुछ रहता नहीं है, इसलिए कुछ लिख कर दिलों की आग से पिघलेंगी चुप्पियां जो है। क्या कहना है, दिलों की आग बंदिश चुप्पियां जो है, दिलों की आग से पिघलेंगी चुप्पियां जो है, बहस से और भी उलझेंगी बुद्धियां जो है। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, दिलों की आग से पिघलेंगी चुप्पियां जो है, बहस से और भी उलझेंगी गुत्थियां जो है। और ये सिर्फ मैंने आप लोगों को सुना रहा हूँ ये, कि हमेशा सोचती रहती है फायदे नुकसान, हमेशा सोचती रहती है फायदे नुकसान, हमेशा
सोचती रहती है फायदे नुकसान, ये कैसा इश्क लड़ाती है लड़कियां तो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमेशा सोचती रहती है फायदे नुकसान, ये कैसा इश्क लड़ाती है लड़कियां जो है। बड़ा नाम से सिर्फ अब मैं पहुंचे चाहूंगा आपकी बहुत के लबों पे तेरे खिले हैं जो फूल नकली है। लबों पे तेरे खिले हैं जिस लबों पे तेरे खिले हैं तो फूल नकली है, तो इनका क्या करूं मुझ में ये तितलियां जो है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लबों पे तेरे खिले हैं जो फूल नकली है, तो इनका क्या करूं मुझ में ये तितलियां जो है। क्या दिलों की आग से पिघमें एक नजर सुना के बस आपसे जी दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने, जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब और मेहमान जीविकार रहे जनाब संजय सिंह एसडीएम चांदपुर। दोस्तों, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अथर आजमी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें, क्यों, आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए।